आगरा के नगर एतमादपुर में अद्भुत श्री रामलीला का मंचन चल रहा है। चित्रकूट से आए कलाकारों की प्रस्तुति और स्थानीय लोगों के स्वरूपों द्वारा रामलीला को भव्य रूप दिया जा रहा है। लेकिन रामलीला मंचन के दौरान पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि शुक्रवार शाम रामलीला मंचन के दौरान मेघनाथ वध का आयोजन था। आरोप है कि इस दौरान किसी ने आतिशबाजी का बम लक्ष्मण स्वरूप पंकज के ऊपर फेंक दिया, जिससे उनकी पीठ झुलस गई। इस दौरान थाना पुलिस ही मौजूद थी, लेकिन रामलीला कमेटी अध्यक्ष संजय उपाध्याय ने कहा कि कई बार कहने के बावजूद सिर्फ नाम मात्र के लिए 2 या 3 पुलिसकर्मी ही मौजूद रहते हैं, जिस वजह से हर दिन अव्यवस्था देखने को मिल रही है। ऐसे आरोप के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इसके बाद ACP एतमादपुर पीयूष कांत राय द्वारा बयान जारी किया गया। सच्चाई यह है कि एतमादपुर कस्बे में रामलीला का मंचन हो रहा था, जिसमें मेघनाथ वध प्रसंग के दौरान कमेटी के लोगों तथा बच्चों द्वारा पटाखे जलाए जा रहे थे। इसी पटाखे जलाने के क्रम में एक चिंगारी जो लक्ष्मण जी की भूमिका निभा रहे थे पात्र, उनके दुपट्टे पे पड़ा, जिससे दुपट्टा हल्का जला है और किसी प्रकार के जलने की या अन्य किसी प्रकार के विस्फोट की कोई घटना नहीं हुई है। रामलीला का मंचन भी समाप्त हो चुका है, सब सर्व संपन्न हो गया है, किसी प्रकार की कोई भी प्रतिकूल स्थिति नहीं है। रामलीला मंचन को देखने के लिए नगर के अलावा आसपास के लोग भी पहुंच रहे हैं। बैंड बाजे और ढोल की थाप पर अहंकारी रावण का प्रवेश और रामदल रावण दल का युद्ध आकर्षण का केंद्र रहा। रामलीला का मंचन रामचरितमानस की चौपाइयों के साथ सुंदरता बढ़ा रहा है। एक तरफ जब रावण की सेना हुंकार भरते हुए हर हर महादेव के नारे लगाती है, तब जवाब में राम दल की वानर सेना जय जय श्री राम के नारे से जवाब देती है। तलवार और गदाओं की आपस में टक्कर रोमांच पैदा कर रही है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हर वर्ष की तरह मुझे इस बार भी रघुनंदन राम का स्वरूप पात्र मिला है और उसको मैं भलीभांति निभा रहा हूँ और आगे भी मौका मिलेगा तो निभाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। किस तरह की रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, किस तरह लोगों में उत्साह देख रहे हैं आप? लोगों में बहुत ज़्यादा भारी उत्साह है। आज देख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा भीड़ है, मेघनाथ पद है और कुंभगढ़ पद है। और ये जो पर्व है हमारा, जो विजयदशमी का पर्व है, ये असत्यता पर सत्यता का मतलब जीत है, अधर्म पर धर्म की जीत है, बुराई पर अच्छाई की जीत है। और मैं चाहूंगा सब लोग राम स्वरूप को अपने अंदर आत्मसात करें। मैं हर वर्ष की बात ही, इस वर्ष भी लक्ष्मण का रोल निभा रहा हूँ। कल लक्ष्मण शक्ति लगी तो आज मेघनाथ वध होना है। आज पूरी तैयारी के साथ मैदान पर मेघनाथ और हम दोनों का युद्ध होगा। जनता का भी बहुत सारा सहयोग मिल रहा है, हम सब लोगों को बहुत सारा प्यार है। जैसे जनता का भी प्यार है, उसी हिसाब से आज यहाँ पर रामलीला का मंचन बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। कल की लीला में लक्ष्मण शक्ति लीला का मंचन किया गया। उसके बाद सुसेन वैद्य जी लंका से आकर उन्होंने लक्ष्मण जी को दवा मूर्छित से दवा देकर उन्हें जीवित किया। और आज की लीला में मेघनाथ वध एवं कुंभकर्ण वध की लीला का मंचन किया जा रहा है और हम सभी पात्रों में हर्ष है और बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं हनुमान का पाठ कर रहा हूं। और आज की लीला देखने के लिए नगर के काफ़ी लोग आए हुए हैं, बहुत ही अच्छा और सुंदर दृश्य है। भगवान राम का किरदार निभा रहे शिक्षक योगीराज का कहना था कि रामलीला सिर्फ एक कहानी और नाटक ही नहीं, देश और दुनिया को संदेश देने वाला कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से मर्यादा में रहकर पुरुषोत्तम बनने तक का सफर प्रेरणा देता है। तो वहीं हनुमान के पात्र बने मनीष कुलश्रेष्ठ ने कहा कि श्री राम का सेवक होना उनके लिए गर्व की बात है, अपने आराध्य के प्रति अपना स्वार्थ सर्वस्व न्यौछावर करना उनका उद्देश्य है। बहुत भीड़ है, मैं करीब 25 साल से रावण का पाठ खेल रहा हूँ। मैं स्वप्निल एडवोकेट उप जिला शासकीय अधिवक्ता हूँ और बराबर 25 साल से पाठ खेल रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, रावण का रोल बहुत अहम है, बहुत अहम है, बहुत मेहनत होती है इसमें, पब्लिक भी चाहती है कि लोकल के लोग ही रामलीला का पाठ करें और यही खेलें। कितनी भीड़ है, प्रत्येक वर्ष समाज में ये संदेश जाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और यही होना चाहिए प्रत्येक वर्ष, और सनातन धर्म का पालन होना चाहिए। रामलीला एतमादपुर 150 वर्ष पुरानी रामलीला है और यहाँ पर बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। पुलिस प्रशासन ने भी जितना सहयोग बन सकता था उतना सहयोग दिया है और यहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने भी अच्छा सहयोग किया। रामलीला का बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है
पिछली बार जो हुआ था उससे भी अच्छा आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि अब की बार हमारे पात्र जो कुछ बाहर से आए हैं वो अपने डायलॉग खुद बोल के रामलीला करा रहे हैं और उससे रामलीला में 4 चांद लगे हैं। और भगवान ने चाहा तो कल का कार्यक्रम भी बहुत अच्छा, कमेटी काफ़ी मेहनत है, कमेटी की भी बहुत अच्छी मेहनत है, कमेटी के सब लोग अच्छा अपना उत्तरदायित्व निभा रहे हैं और सब लोग पब्लिक भी खूब अच्छी तरह से प्रोग्राम को देख रही है और खूब इंटरेस्ट ले रही है और सब तरह से शांति व्यवस्था है। रावण की भूमिका निभा रहे शासकीय अधिवक्ता स्वप्निल कुलश्रेष्ठ ने कहा कि समाज को सुधारने के लिए रावण हर वर्ष मरने को तैयार है, क्योंकि उसे राम के हाथों से मृत्यु चाहिए जिससे वह तर जाएगा। श्री रामलीला कमेटी एतमादपुर के अध्यक्ष संजय उपाध्याय ने बताया कि करीब 150 वर्ष पुरानी इस रामलीला की धरोहर को सजाने के लिए कमेटी द्वारा हर संभव प्रयास किया जाता है। हर वर्ष कुछ नया और अलग करने की कोशिश रहती है। इस वर्ष चित्रकूट के कलाकारों द्वारा डायलॉग बोले जा रहे हैं। रामलीला में सभी का सहयोग मिल रहा है। रावण दहन का कार्यक्रम भी भव्य तरीके से आयोजित होगा।